हूं दीपांजलि मोइत्रा। ट्रंप अपनी शेखी बघारने के चक्कर में कब क्या बोल जाते हैं खुद उन्हें भी नहीं समझ आता। इसी कड़ी में व्हाइट हाउस में शेखी बघारते हुए एक पत्रकार के सवाल के जवाब में अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि भारत चाइना के बीच जो स्थिति खराब है उसको लेकर पीएम मोदी काफी गुस्से में। इतना कहना था कि पूरी दुनिया में तहलका मच गया और अब इस सवाल के जवाब तलाशे जाने लगे। इसी कड़ी में सूत्रों के हवाले से खबर है कि पिछले 4 अप्रैल के बाद से पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच कोई फोन पर बातचीत हुई ही नहीं। इसको लेकर विदेश मंत्रालय ने भी साफ कहा था कि चीन के साथ सीधी बातचीत हो रही। यहाँ पर एक बात बताते चलें कि राष्ट्रपति ट्रंप ने इससे पहले कहा था कि उनके इस बयान से साफ है कि वो भी भारत चीन विवाद के बीच में कूद पड़े, वो भी तब जब खुद चीन और अमेरिका में पहले ट्रेड और अब कोरोना को लेकर शीत युद्ध जैसे हालात। राजनीतिक विश्लेषकों और विदेशी मामलों के जानकारों की माने तो कूटनीति की दुनिया में ट्रंप के इस बयान के मायने बड़े, क्योंकि ना तो भारत अमेरिका के पास गया और ना ही चीन। ऐसे में ट्रंप ने पहले तो खुद ही मध्यस्थता की पेशकश की और अब कह दिया कि भारत और चीन के बीच जो विवाद आकार ले रहा है उससे पीएम मोदी खुश नहीं। लेकिन ये बात सफेद झूठ निकली। जो भी हो, ये पहली बार नहीं है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने सफेद झूठ बोला। इससे पहले भी इससे बड़ी बड़ी और लंबी लंबी फेंक कर अपनी भद पिटवा चुके हैं। Like Modi, I like your prime minister a lot. He's a great gentleman. Great gentleman. Yeah, they have a big conflict going with India and China. Is that what you're talking about? Yes. Yeah. Yes. They have a big conflict going with India and China. Two countries with 1.4 billion people. Two countries with very powerful militaries. And India is not happy, and probably China is not happy. But I can tell you, I did speak to Prime Minister Modi. He's not in a good mood about what's going on with China. Mr. President, have you spoken to Are you finished? No, sir. So what, yesterday you tweeted about you want to mediate between India and China on this issue. I would do that. You know, I would do that if they thought it would help. If I were the mediator or the arbiter, I would do that.